जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं धीरेज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 5 रिजरेखी पथ पर गति का पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं आपको पार्ट 3 में बताने वाला हूं ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन। अब गति के समीकरण मैंने 4 बताए थे, अब उनका निगमन आपको ग्राफी विधि से यहां पर पढ़ना है। ग्राफी विधि से पढ़ाऊंगा और कलन विधि से निगमन आपको यहां पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस पर जो भी फार्मूले निकलेंगे इस पर बहुत सारे आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं गति का प्रथम समीकरण, इसको हम बोलते हैं समय वेग संबंध। ठीक है, समय वेग का संबंध होता है, समय वेग का संबंध बोले तो v बराबर u प्लस at। देखिए यहां पे क्या है, वेग है, त्वरण है और क्या है दोस्तों, समय है। तो अब इस किस तरीके u v बराबर u प्लस at, अब किस तरीके से इसको हम प्रूव्ड करेंगे ध्यान दीजिएगा। आप त्वरण, सबसे पहले त्वरण निकालिए। त्वरण बराबर यहां पर क्या लेंगे, जो चाल होती है पिंड की चाल, तो जो पिंड की यहां पे चाल है, वस्तु की गति है, यहां पे देखिए दोस्तों कहां से है, ए से सी तक, यानी सरल रेखा एसी का ढाल। ठीक है, ए बराबर एक सरल रेखा, सरल रेखा एसी का ढाल, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एसी का ढाल, ए बराबर हम त्वरण निकाले तो एसी रेखा का आप ढाल निकाल सकते हो। ठीक है, तो एसी रेखा का आप ढाल निकालोगे तो एसी रेखा का ढाल निकालने का मतलब आप चित्र इस तरीके से बना लीजिएगा। तो देखिए ए बराबर आपका, अगर हम एसी रेखा का ढाल निकाले तो यहां पे देखिए एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और जब भी हम त्रिभुज यहां समीकरण निकालने लगेंगे गति का प्रथम समीकरण, तो वहां लंब बटे आधार का प्रयोग होगा। ठीक है, लंब बटे आधार यानी टैन लगता है, इसके पहले मैंने एक फार्मूला लिखवाया था आपको, तो ए बराबर टैन थीटा लिखवाया था, टैन थीटा बराबर होता, ए बराबर इसके पहले मैंने एक फार्मूला लिखवाया था टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार आपका देखिए लंब, लंब क्या है आपका बी सी, तो आप लिख सकते हो इसको बी सी अपान, आधार क्या होगा ए बी, तो यहां पे कर दीजिए दोस्तों ए बी। ठीक है, तो ये ए बराबर बी सी अपान ए बी आपका यहां पर निकल गया है। अब आप क्या करोगे, ध्यान दो, ए बराबर बी सी, अगर हम बी सी को डी सी इस तरीके से लिखिए, डी सी माइनस क्या कर दें डी बी, देखिए डी सी माइनस डी बी, तो क्या होगा दोस्तों, हमें देखिए लाना है क्या, v बराबर यू प्लस ए टी, इसी को लाने के लिए सब कुछ ये करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, a बराबर डी सी माइनस डी बी, डी सी पूरी दूरी में से अगर हम डी बी को घटा देंगे तो फिर बी सी बच जाएगा, यही बी सी आ जाएगा, नीचे ए बी है तो आप ए बी रख दीजिए। तो a बराबर, अब देखिए डी सी, तो डी और सी, डी और सी का पूरा दूरी कितना दिया गया दोस्तों, v, कितना है v, तो यहां पे ऊपर आप कर दीजिए v माइनस डी बी, डी और बी, डी और बी के बीच की दूरी देखिए क्या दिख रहा है, u दिख रहा है इसके बीच की दूरी, तो यहां पे कर दीजिए u अपान ए बी, ए से बी का ये जो बीच की दूरी क्या दिख रहा है, ये समय t है, तो इसको आप t कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें a यहां पे t से गुणा कर देना होगा यहां पे, या बटे में एक मान लीजिए, v एक का v माइनस यू एक का यू, और t का a में करेंगे तो ए टी आ जाएगा, u को v बराबर निकालना है तो v बराबर निकालें, u को उस तरह पंचांतर करेंगे, इस तरह माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और उधर प्लस ए टी है, तो ये आपका निकल गया गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समय वेग संबंध। इस पर तरीके से आपको निगमन करना है गति के प्रथम समीकरण का ग्राफीय विधि से। तो ये था समय वेग संबंध। अब चलिए हम समय स्थिति संबंध को देख लेते हैं, यानी गति के द्वितीय समीकरण को हम यहां पर देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों समय स्थिति संबंध गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये किस तरीके से प्रूव किया जाएगा ध्यान दीजिए, चलिए s बराबर हमें निकालना है,
तो S बराबर आप ले लीजिए O A B D, यानी O A B D अगर हम देखें तो यह एक आयत के रूप में दिख रहा है, तो आप लिखिए O A B D का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल प्लस उसके बाद ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहां लिखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज की तरह ए बी सी है। तो अगर देखा जाए तो ये आयत है, क्या है दोस्तों, आयत है ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। देखिए सामने आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ये जो होता है दोस्तों आधार आधार बराबर रहता है, लंब लंब बराबर रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये अगर हम आधार लें तो आधार क्या होगा OD, तो लिख दीजिए OD इंटू, फिर अगर ऊंचाई लें तो ऊंचाई क्या होगा दोस्तों OA, या OA कर सकते हैं या DB कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे DB कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करोगे दोस्तों, प्लस करो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक बटा दो होता है आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार त्रिभुज का क्या दिख रहा है AB, तो यहाँ पे कर दो AB इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा BC, तो यहाँ पे कर दीजिए आप क्या BC। चलिए हमें S बराबर निकालना, तो S बराबर आप निकालते चलिए OD, OD, OD की वैल्यू कितना है, समय होता है T सेकेंड में, ठीक है, यानी समय जो होता है T। जब मैंने बताया कि ये आयत है और आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, जो ए बी टी है तो ओडी भी क्या होगा टी ही होगा, क्योंकि ये आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, यानी ओडी जो है वो टी आ जाएगा। फिर डी बी, तो डी और बी क्या क्या है दोस्तों, दूरी यू है, ठीक है, तो इसकी जगह हम यू लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस वन अपॉन टू इंटू ए बी, ए बी, ए बी की दूरी यहां देखिए टी है तो टी लिखिए, फिर इंटू बी सी, तो बी सी, बी सी क्या है दोस्तों, अगर हम बी सी देखें तो क्या है ए टी, ठीक है, तो यहां पे आप लिख दीजिए ए टी। अब आप क्या करोगे, ध्यान दो, एस बराबर निकालोगे तो इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा यू टी, यू का टी में करोगे यू टी आ जाएगा, और ये हाफ है तो हाफ कर दीजिए एक बटा दो, फिर देखिए टी का टी में होगा तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका फार्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका निकल गया गति का द्वितीय समीकरण का निगमन हो गया, वो भी किस विधि से, समय स्थिति संबंध, ठीक है, ग्राफीय विधि से समय स्थिति संबंध निकल गया, यानी गति का द्वितीय समीकरण। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों गति के तृतीय समीकरण को। अब देखिए दोस्तों ग्राफीय विधि से गति के तृतीय समीकरण का निगमन, तृतीय समीकरण है आपका वेग स्थिति संबंध, मैंने निगमन पहले से ही कर रखा है दोस्तों, क्योंकि वीडियो में अगर बार बार निगमन सभी करा रहा हूं तो वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है, ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोग को बोरिंग फील होने लगता है, वीडियो आप पूरा वॉच नहीं करते, जितना भी वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोग गारंटी है कि इसका पूरा वीडियो आप नहीं देखते हो, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मेरे पास वॉच टाइम वहाँ पर क्लियर होके आता है, जितने भी बच्चे देखे रहते हैं उसका ड्यूरेशन मेरे पास दिखता है कि कौन सा बच्चा कितना वीडियो को वॉच कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो को वॉच ही नहीं करते, आते हैं देख कर कट करके चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं दोस्तों समय को बचाने के लिए यहाँ पर मैंने मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिए, करना क्या है आपको, तृतीय समीकरण निकालना है। तृतीय समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो आपको एस पहले निकालना होगा, एस बराबर सबलम चतुर्भुज ए ओ ए सी डी का क्षेत्रफल लेना है, तो ओ ए सी डी ये समलम चतुर्भुज आपका यहां से दिख रहा है इस तरीके से, देखिए ये आपका क्या दिख रहा है समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज बराबर आपका फार्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग फिर उनके बीच की दूरी होता है, ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग यानी ओ ए, ओ ए ये दो हैं, ओ ए प्लस आपको क्या कर देना होगा यहाँ पे डी सी, ये भुजा समांतर है, ये भुजा आपस में क्या है समांतर है, तो इन दोनों को आपको क्या करना होता है जोड़ देना होता है, तो ओ ए और प्लस डी सी कर दीजिए इंटू ओ डी, ओ डी आप क्या को इसका क्या कर देना आपको गुणा कर देना होगा, ठीक है, क्योंकि उनके बीच की दूरी है, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है दी है दोस्तों ओ डी है। अब ध्यान दीजिए ओ ए,
ओ ए, ओ ए क्या है, यू है, जो ओ ए होगा वही डी से बी तक की दूरी होगा। तो ये यू था, मैंने यू लिख दिया ओ ए को। फिर डी सी, अब पूरी दूरी देखा जाए तो क्या है, वी है, तो मैंने क्या लिख दिया, वी। फिर ओ डी, ओ से डी क्या है दोस्तों, टी है, इसकी दूरी टी है, टी लिख दिया। अब करना क्या है, एक बटे दो को सेम टू सेम लिखो, वी को पहले लिख दो, यू को बाद में लिख दो। क्यों लिखोगे ऐसा, क्योंकि दोनों प्लस में ही है, चाहे दो प्लस एक लिखो चाहे एक प्लस दो लिखो, तीन तो आएगा ही। तो उसी प्रकार मैंने यहां पे यू प्लस वी था, वी को पहले कर दिया प्लस यू को। अब देखिए टी, टी की जगह मैंने वी माइनस यू अपान ए रखा है। आप सोचोगे यहां पे इतना क्यों रख दिए, तो आपको पता है कि एक फार्मूला होता है वी बराबर यू प्लस ए टी। अगर मैं यहां से टी निकालूंगा, पहले यू को पंचांतर करूंगा तो वी माइनस यू हो जाएगा, बराबर बचेगा ए टी, ए टी। अगर मैं टी निकालूंगा तो ए को पंचांतर करूंगा, तो ए को पंचांतर करूंगा तो वी माइनस यू अपान क्या हो जाएगा, ये बराबर टी। तो देखिए मैंने टी की जगह पर वी माइनस यू अपान ए रखा है, तो वहां पे मैंने रखा, तो अब इसका ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा कर दिया। तो वी प्लस यू और वी माइनस यू का गुणा करोगे तो वी स्क्वायर माइनस वी यू स्क्वायर आएगा, नीचे ए है नीचे टू है, तो इसका गुणा करोगे टू ए हो जाएगा। अब बटे में एक मान लीजिए एस के, तो एस के क्रॉस गुणा करेंगे तो एक का वी स्क्वायर में करेंगे तो वी स्क्वायर ही आएगा, एक का यू स्क्वायर में करेंगे तो यू स्क्वायर आएगा, बीच माइनस था तो माइनस आप लगा दीजिए। अब टू ए का एस में करिए तो टू ए एस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करोगे, अब ध्यान दो, हमें निकालना है वी स्क्वायर। वी स्क्वायर निकालने के लिए हम यू स्क्वायर को उस तरफ पंचांतर कर देंगे, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में, प्लस टू ए एस निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गति का तृतीय समीकरण, ग्राफी विधि से निगमन हो चुका है। ठीक है, अब चलिए हम गति के चतुर्थ समीकरण को देख लेते हैं, वो भी ग्राफी विधि से इसका निगमन। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए हम चौथे समीकरण को यहां भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी निगमन उसका कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथा समीकरण है आपका टीवे सेकंड में विस्थापन। विस्थापन को एस से व्यक्त करते हैं, टीवे सेकंड बोला यानी एस टी हो जाएगा, तो आपको एस टी बराबर निकालना है। तो मैंने यहाँ पे अलग सा स्ट्रक्चर बना के रखा है, इसी स्ट्रक्चर के सहारे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए डी सी जी एच का क्षेत्रफल, डी यहाँ पर है, सी जी जी यहाँ पर है, एच, डी सी जी एच का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जब डी सी जी एच का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, ई बी जी एच का क्षेत्रफल, फिर प्लस करिएगा डी, ले लिए डी एफ, और फिर बी ई का क्षेत्रफल, फिर इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालिएगा प्लस, फिर उसके बाद डी सी एफ का क्षेत्रफल। तीन पार्ट में बचा है तो तीनों पार्टों का क्षेत्रफल आपको निकाल कर जोड़ देना होगा। ठीक है, तब जोड़ेंगे तो ई एच इंटू एच जी आएगा। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ई बी जी एच, तो क्या लिखेंगे, ई एच इंटू क्या, एच जी लिख सकते हैं। ठीक है, लंब इंटू आधार। फिर इसी प्रकार से यहां पर भी डी एफ जी में, तो पहले लिखेंगे आप क्या, डी लंब इंटू आधार यानी एच जी, इसका भी लिखिए या तो ई बी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने एच जी ही लिख दिया है, अगर आप लिखना चाहते इसकी जगह ई बी भी लिख सकते हैं। फिर ये त्रिभुज है, देखिए डी सी एफ त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज एक बटा दो क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, तो डी एफ, तो डी एफ आधार हो गया, ऊंचाई क्या हो गया, सी एफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहां पर निकाल दिया है। अब क्या करना, सभी के वैल्यूओं को रख देना, ई एच, ई और एच की ऊंचाई कितनी है, यू, इनके बीच की दूरी क्या है, यू है। ठीक है, क्योंकि इधर की दूरियां जो है आपस में सब समान है, जितना ए ओ होगा उतना ई एच होगा, उतना बी जी भी होगा, तो इसलिए ई एच बराबर क्या लिखेंगे आप, यू, तो इसकी जगह मैंने यू लिख दिया। प्लस एच जी, तो एच जी, एच जी यहां से यहां तक की दूरी, तो एच जी को मैंने क्या माना है, देखिए यहां तक की दूरी टी माइनस वन है, अगर हम टी हटा दें टी में से तो हमारा यहां से यहां तक दूरी निकल जाएगी, क्योंकि ये समय होता है सेकंड, तो समय सेकंड पूरी दूरी क्या होती है, टी, टी में से टी माइनस वन अगर घटा दे तो हमें एच जी मिल जाएगा, इसलिए मैंने टी में से टी माइनस वन घटा दिया। ठीक है, प्लस डी ई, तो अब देखिए डी ई, डी और ई, तो डी ई की अगर देखी जाए दूरी, तो ए टी माइनस वन निकाला है मैंने, देखिए यहां से डी ई बराबर आपका होता है ए बराबर टेन थीटा, तो ए बराबर निकालें लंब बटे आधार। ठीक है, तो डी ई अपान ए ई होगा, तो अगर मुझे डी ई निकालना होगा तो ए से गुणा हो जाएगा ए ई का, ए ई बराबर यहां पे ए
टी माइनस वन हो जाएगा। तो देखिए डी की जगह ए टी माइनस वन रख दिया है। फिर उसी प्रकार एच जी, तो एच जी मैंने यहाँ पर रखा है, जो वही वैल्यू यहाँ पर भी रखी जाएगी वही सेम। फिर एक बटा दो डी एफ, तो देखिए दोस्तों डी एफ, देखिए डी कहाँ पर है और एफ कहाँ पर, डी और एफ, तो ये भी तो एच जी के समान ही है, तो इसका भी वैल्यू टी माइनस वन ही रखा जाएगा। और सी एफ, सी एफ क्या है, ए है, मैंने यहाँ पर निकाल रखा है, देखिए सी एफ निकाला है डी इन, देखिए सी एफ पान डी होगा, ये भी लंबवत आधार होगा, तो सी एफ जब मैं निकालूंगा तो ए इंटू डी एफ करूंगा, डी एफ का वैल्यू आपने निकाल रखा है टी माइनस वन, ठीक है, ब्रैकेट में टी से टी कटेगा तो बचेगा माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा, एक ए का गुणा एक में करेंगे तो ए ही आएगा, तो इसकी जगह पर ए आप रख दीजिए, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एस टी बराबर आप निकालोगे यू टी माइनस का अंदर गुणा होगा तो टी माइनस माइनस प्लस वन, तो टी से टी यहां पे कट जाएगा। फिर देखिए ए टी माइनस वन को आप वैसे ही रहने दो, फिर यहां भी काट दो टी से टी, माइनस का अंदर गुणा करोगे टी से टी कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा एक बटे दो। अब एक टी है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस टी माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ए है ए लिख दीजिए, तो सभी में माइनस प्लस टी है, माइनस प्लस टी है, माइनस प्लस टी है, टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे यू, और यहाँ बच रहा है ए टी माइनस वन, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए टी माइनस वन, यहाँ वन बचा, वन लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए सा ए का गुणा वन में, यहाँ देखिए ए टी माइनस वन का गुणा एक में करेंगे तो ए टी माइनस वन ही आएगा। फिर यहाँ टी से टी कट गया, बचा वन, वन का गुणा करेंगे वन ही आएगा, पॉइंट टू ए है ए लिख दीजिए। अब आप क्या करोगे, ध्यान दो एस टी को आप रहने दो, ये करना है आपको, अगर देखिए यहां पे मैं दो से गुणा करूं और दो से भाग करूं तो a बाई टू हो जाएगा, और दो से गुणा t में कर दूं तो 2t हो जाएगा, तो a बाई टू टू टी माइनस वन, अगर 2 से 2 काटना चाहें तो काट सकते हैं बाहर इसको लाकर, ठीक है। तो इस प्रकार से एस टी बराबर a बाई टू टू टी माइनस वन हो गया, और अगर हम यहां से a बाई टू लिख दे और ए को बगल लिख दे तो टू टी माइनस वन, ये आपका हो जाएगा ट्यूब में सेकेंड में विस्थापन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका चौथा समीकरण हो गया ग्राफीय विधि से। तो चारों समीकरणों को आपने ग्राफीय विधि से पढ़ लिया है, अब आप पढ़ेंगे कलन विधि से चारों समीकरणों का निगमन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं कलन विधि से चारों समीकरणों का निगमन। अब देखिए दोस्तों कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन, अभी इसके पहले आपने ग्राफी विधि से पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे कलन विधि से यानी समाकलन विधि से। तो समाकलन विधि से किस तरीके से इसे इसका निगमन किया जाएगा, मैं आपको बहुत आसान से तरीके में बताने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि पहले मैंने यहां पर निगमन कर दिया है, अगर वीडियो में निगमन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है, इसे मैंने पहले से कर रखा है इसको, ठीक है। तो प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण का मैंने यहां पर निगमन पहले से ही कर रखा है। तो प्रथम समीकरण आपका होता है वी बराबर यू प्लस ए टी। चलिए तो सबसे पहले त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, ठीक है। तो यहां पे डीवी कर दिया है अवकलन के साथ, ठीक है, अपान डीटी। तो जब अब हम यहां से अगर डीवी निकाल लेंगे तो डीटी का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो डीवी बराबर ए डीटी हो जाएगा। तो अब क्या करें, डीवी का समाकलन यहां पर करी अवकलन, फिर यहां पे देखिए उसके बाद हम समाकलन करेंगे जब फैक्टर लेंगे। तो यहां पे समाकलन कर रहे हैं, इसको हम फलन बोलते हैं और इसको सीमा बोलते हैं, यू से वी तक सीमा, निम्न सीमा, नीचे वाले को निम्न सीमा, ऊपर वाले को उच्च सीमा बोलते हैं जब हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, समाकलन करते हैं। तो ये डी वी हो जाएगा, फिर यहां पर ए डी टी तो का समाकलन करेंगे तो जीरो, जीरो निचली सीमा क्या हो जाएगा, जीरो, और फिर टी हो जाएगा उच्च सीमा, ठीक है। फलन इसको बोलिए इंटीग्रल, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल, तो यू इंटीग्रल वी डी वी, फिर जीरो इंटीग्रल टी, इंटीग्रल जीरो टू टू, सीमा जो है ए डी टी। अब क्या करेंगे हम डी वी का जब हम क्या करेंगे दोस्तों, समाकलन करेंगे तो यहाँ पे वी निकलेगा उच्च सीमा, और देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा हम बाहर लगा देंगे, ठीक है। फिर ए नियतांक है, ए को बाहर कर दीजिए, डी टी का जब हम समाकलन करेंगे तो टी उच्च सीमा से निम्न सीमा, निम्न सीमा से उच्च सीमा आप लगा दीजिए। तो देखिए पहले हम यहाँ जब रखते हैं तो पहले वी को रखें उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो वी की जगह वी रखेंगे वी ही रहेगा, और वी की जगह यू रखेंगे तो यू, क्योंकि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा फिर माइनस निम्न सीमा बराबर, ए नियतांक है तो ए को आप वैसे ही रखो, फिर टी
उच्च सीमा, तो टी का जगह टी ही रहेगा, फिर माइनस टी की जगह कितना रखेंगे शून्य, तो शून्य रखेंगे तो निम्न सीमा टी माइनस जीरो हो जाएगा, तो वी माइनस यू निकलेगा इस तरफ, बाई तरफ देखिए टी में से जीरो घटाएंगे तो हट जाएगा जीरो, बचेगा ए टी, तो ए टी हो जाएगा। अब यू को उस तरफ पंचांतर कर दीजिए तो यू बराबर माइनस उस तरफ यू जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वी बराबर यू प्लस ए टी आपका निकल जाएगा। ये हो जाएगा गति का प्रथम समीकरण कलन विधि से, ठीक है। अब द्वितीय विधि को देख लीजिए, कलन विधि से निगमन, तो द्वितीय हम वहां पे वेग बराबर हो जाएगा ds अपान dt, यानी विस्थापन अपान समय अंतराल, तो हम क्या करेंगे इसको ds बराबर निकाल लेंगे तो dt का v में गुणा हो जाएगा। अभी आपने v बराबर फार्मूला निकाल रखा है u प्लस ए टी, तो जहां v है उसकी जगह u प्लस ए टी रख दीजिए, ds की जगह ds रहेगा, v की जगह u प्लस हम ए टी रख देंगे क्योंकि इसके जरिए हमने निकाला है, फिर dt। अब क्या करेंगे ds को आप ऐसे रहने दो, dt को दोनों के साथ गुणा कर दो, तो dt का u के साथ गुणा करो u प्लस dt हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाओ, फिर at का dt के साथ करोगे at into dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, अब फलन यहां पर हम जब निकालेंगे, फलन का मतलब इंटीग्रल, इसको हम बोलते हैं समाकलन, ठीक है, इंटीग्रल। अब इसकी सीमा जीरो से एस मानेंगे, एस का एस के समाकलन निकालें तो जीरो से एस मान लीजिए, फिर यू है यहां पे देखिए टी निकालें, किस जो यहां पर लास्ट में दिखेगा उसी के संपर्क में हम निकालेंगे फलन, ठीक है। तो इंटीग्रल इसकी सीमा क्या हो जाएगी, जीरो से टी हो जाएगा यू डी टी प्लस, अब ए टी है यहाँ पे तो जीरो से टी ए टी प्लस डी टी हो जाएगा जब समाकलन करेंगे तब। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एस का निकाले तो एस हो जाएगा सीमा उच्च सीमा से निम्न, देखिए उच्च सीमा एस निम्न सीमा जीरो कर दीजिए, फिर इसी प्रकार यू को बाहर लीजिए क्योंकि यू नियतांक है, तो है टी के सापेक्ष किए हैं आप समाकलन, तो टी को अंदर रखिए फिर निम्न सीमा उच्च सीमा बाहर रखिए, ठीक है, बड़े ब्रैकेट के बाद। फिर यहाँ देखिए ए टी, अब टी के सापेक्ष टी का समाकलन किया गया है यानी यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, और जब ए नियतांक है ए को बाहर निकालोगे तो इसके बटे में क्या लग जाएगा, दो लग जाएगा, तो ए बाई टू के बाहर निकलेगा और ये टी का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, सीमा जीरो से टी है तो जीरो से टी आप कर दीजिए। अब देखिए एस की जगह एस रखेंगे तो एस ही रहेगा, एस की जगह जीरो रखेंगे तो माइनस जीरो हो जाएगा क्योंकि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, ठीक है, बराबर यू, फिर उच्च सीमा टी की जगह टी रखिए फिर निम्न सीमा जीरो रखिए, फिर प्लस ए बाई टू, फिर यहाँ देखिए टी स्क्वायर है, टी की जगह टी ही रखेंगे टी ही स्क्वायर, टी स्क्वायर ही आएगा और टी की जगह जीरो रखेंगे तो टी जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी टी का मान जीरो हो जाएगा। अब एस माइनस जीरो बराबर एस ही आएगा, यू का टी में गुणा करेंगे यू टी हो जाएगा प्लस, अब यहाँ देखिए अगर मैं एक बटे दो अलग से लिख लूँ तो एक बटा दो होगा, ए बगल में हो जाएगा, टी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो गति का प्रथम समीकरण और गति का तृतीय समीकरण यहाँ पर आपका निगमन हो चुका है कलन विधि से। तो चलिए अब गति के तृतीय समीकरण और चतुर्थ समीकरण का भी निगमन हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कलन विधि से गति का तृतीय समीकरण का निगमन और गति के चतुर्थ समीकरण का निगमन। तो तृतीय समीकरण आपका होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, तो ए बराबर आपका होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें विस्थापन से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो डी वी अपान में हम क्या करते हैं, विस्थापन से भाग दे डीएस से इंटू, फिर डी एस अपान डी टी लिख सकते हैं, डी एस से डी एस कटेगा फिर डी वी अपान डी टी बच जाएगा, ठीक है, ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें लाना है समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ए बराबर, देखिए जो ये डी वी अपान डी एस है ये वी के बराबर होता है, वी बराबर होता है डी वी अपान डी एस, ठीक है, तो मैं इसके पहले जब आपने समीकरण को सेकेंड क्यों हल किया था तो इसी प्रकार से आपने लिया था। तो देखिए जिस प्रकार से देखिए डी एस अपान डी टी ये आपका क्या हो गया v हो गया और dv अपान ds को मैंने ऐसे ही लिख रखा है। अब करना क्या है dv अपान देखिए v dv को ऐसे लिखिए ds का a के साथ गुणा करेंगे तो v dv a ds हो जाएगा। अब क्या करेंगे v का समाकलन और s का a a का समाकलन कर लीजिए, तो यहाँ पे जब समाकलन करेंगे तो वेग का उच्च निम्न सीमा उच्च सीमा हो जाएगा और यहाँ त्वरण का जो होगा विस्थापन जीरो से एस हो जाएगा, ठीक है, फलन में इंटीग्रल हम इंटीग्रल यू का जो होगा वी हो जाएगा, तो वी का जब हम यहाँ पे समाकलन करेंगे दोस्तों तो वी स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर जब होता है तो नीचे बटे में दो भी लग जाता है, ठीक है, और फिर निम्न सीमा उच्च सीमा बराबर यहाँ पर ए बाहर हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, निम्न सीमा एस होगा, यहाँ पे देखिए जीरो, और उच्च सीमा एस होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बटा दो को बाहर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ बटे में है। अब वी स्क्वायर जगह वी रखेंगे तो वी स्क्वायर ही आएगा, और वी की जगह यू रखेंगे तो माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, बराबर में एक। अगर एस की जगह एस रखेंगे तो ऐसे ही आएगा, एस की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो तो मतलब ही नहीं रहेगा। उसके बाद एस एक हम एस में गुणा करेंगे तो एस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, दो का हम कर देते हैं ए एस में गुणा, तो टू ए एस हो जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, 2as, u स्क्वायर कुछ तरह पंचांतर कर दो क्योंकि बाईं तरफ माइनस में, तो दाहिनी तरफ गया किस में हो गया, प्लस में, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as निकल कर आएगा गति का। यह हो गया तृतीय समीकरण। अब t में सेकेंड में देख लेते हैं गति का समीकरण, यानी चौथा समीकरण। तो चौथा समीकरण के लिए हम v बराबर ds अपान dt लेंगे, ठीक है, v बराबर ds अपान dt, क्योंकि हमने ds अपान dt को भी v माना था यहां पर, देख लीजिए। तो अब क्या करेंगे, v बराबर ds अपान dt लेंगे तो ds निकालेंगे तो v से गुणा हो जाएगा, v बराबर आपका होता है u प्लस at। तो अब इसका लिख लीजिए, अगर हम t, यदि t माइनस वन सेकेंड से t सेकेंड तक चली गई दूरी st हो तो, यानी ये प्रारंभिक और द्वितीय, देखिए प्रारंभिक समय अंतराल जो है t माइनस वन और अंतिम जो है t है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, ds का जब समाकलन निकालेंगे जीरो से st हो जाएगा, ds बराबर लेकिन प्रारंभिक समयांतराल फिर अंतिम हो गया, निम्न सीमा उच्च सीमा करेंगे, फिर u प्लस at है तो u प्लस at का 8 समाकलन कर दीजिए। तो यहाँ जब करेंगे तो क्या आएगा, s आएगा, s की जगह st रखेंगे तो st माइनस जीरो करेंगे तो st माइनस जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब आप निकालोगे तो u प्लस, इसको अलग अलग कर दो तो ut प्लस क्या कर दो, हाफ at स्क्वायर, जब यहाँ पर आप रखेंगे तो t माइनस वन, क्योंकि u प्लस हाफ at स्क्वायर अब कहाँ से आया आप पूछोगे। इसके पहले जब आपने समीकरण सेकंड को सॉल्व किया था तो u प्लस at को जब सॉल्व किया था तो उसकी जगह पे क्या था, यहाँ पे ut प्लस हाफ at स्क्वायर आया था, ठीक है, तो उसी की जगह मैंने रख दिया, इसका समाकलन यहाँ पर हो जाएगा। तो st यहाँ पर होगा जीरो, हटा देंगे, फिर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, at स्क्वायर रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें t माइनस वन निम्न सीमा और उच्च सीमा को रखेंगे, तो पहले हम उच्च सीमा को रखेंगे तो u t की जगह पर रखेंगे, t माइनस वन होगा क्योंकि यहाँ पे रखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लगा है, प्लस रखिए एक बटा दो ए टी की जगह टी माइनस वन स्क्वायर है, स्क्वायर आप लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यू टी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए माइनस, ये भी गुणा हो रहा है, माइनस प्लस माइनस एक बटा दो है, माइनस दो ए है, ए लिखिए, फिर अब देखिए टी, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर ऊपर देख रहा है, देखिए टी माइनस वन का हम स्क्वायर करेंगे, फार्मूला होता है टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन। अब क्या करेंगे, देखिए यू टी से यू टी कट जाएगा, अब यहाँ जो है उसको लिख लीजिए तो एस टी बराबर एक बटे दो ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर लिख दीजिए, फिर प्लस यू है, यू को लिख दीजिए, फिर इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक बटा दो ए टी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस टू बाई टू ए टी प्लस एक बटा दो ए आएगा, तो ए बाई टू ए टी स्क्वायर, ए बाई टू ए टी स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा यू माइनस, यहाँ पर क्या बच रहा है ए टी, तो ए टी लिखिए प्लस ए बाई टू। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो दोस्तों एस टी बराबर यू, फिर एक बटा दो यहाँ से इसका यहाँ गुणा करेंगे, एक बटा दो आएगा, ए करिए टू का अंदर गुणा हो जाएगा, टू टी माइनस क्या निकलेगा वन, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो एस टी बराबर यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, ये गति का चौथा समीकरण निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी एक दो स्क्वीज इसमें और बाकी है, उसको भी हम फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन कराएंगे, यानी आंकड़े प्रश्न कराएंगे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्केज है आपका गुरुत्वाधीन गति, गुरुत्वाकर्षण के अधीन यानी ग्रेविटी के अंडर जो काम करती है, गति करती है, वो दो प्रकार से काम करती है। पहला, नीचे से ऊपर की दिशा में कोई जाती हुई वस्तु, तब क्या ग्रेविटी करता है दोस्तों, तो वहां पर जो एस होता है, विस्थापन होता है, वो ऊपर की तरफ होता है, इसलिए हम ऊंचाई लेते हैं एस की तरफ, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, माइनस में होता है। गुरुत्वाकर्षण माइनस में होने की वजह से ही कोई वस्तु नीचे न गिरकर ऊपर की तरफ चला जाता है। जब इस तरह का सिचुएशन होगा दोस्तों, तो आप करोगे क्या, आपके जो गति के तीन मुख्य समीकरण होते हैं, चौथा जो समीकरण होता है वो टीवे सेकेंड के लिए होता है, लेकिन गति के सिर्फ मुख्य तीन ही समीकरण होते हैं, तो तीन ही समीकरणों में आपको क्या करना है, उसके मान को बदल देना है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा, नीचे से ऊपर की दिशा में कोई वस्तु गति कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वह वहां पर क्या, गुरुत्वाकर्षण शून्य है, यानी माइनस में है, ठीक है।
और वो विस्थापन जो S था आपका उसकी जगह पे H कर देना है। H इसलिए करना है क्योंकि विस्थापन जो हो रहा है ऊपर की तरफ ऊंचाई की तरफ हो रहा है। तो पहला आपका फार्मूला होता है V बराबर U प्लस क्या होता है AT, V बराबर U प्लस AT, लेकिन V को आपको V ही रखना है, U को U ही रखना है। अब देखिए A जो है उसकी जगह माइनस G रखना है, तो माइनस रखेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए की जगह जी रख दीजिए, टी है टी रख दीजिए। तो ये आपका निकलेगा पहला समीकरण। जब क्या होगा दोस्तों, कोई पिंड या कोई वस्तु ऊपर की तरफ गति करेगा नीचे से, ठीक है, और वहां पर गुरुत्वाकर्षण क्या हो, माइनस में हो। अब देखिए दूसरा दोस्तों, माइनस में जब कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ गति करेगा तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण माइनस होगा ही, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा समीकरण होता है एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की तरफ जब नीचे से कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रहा है तो s की जगह हम h कर देंगे, तो यहां पे h कर दीजिए, फिर ut है ut रखिए, फिर माइनस। अब देखिए a की जगह हम g को माइनस में ले रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिर्फ चेंज होगा जहां a है वहां g हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। जहां a है वहां पे g हो जाएगा, वो भी माइनस में, और जहां s है वहां पे h कर देना है। तो उसी प्रकार आपका हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2ah होता है, तो a की जगह g करेंगे, g करेंगे तो माइनस यहां प्लस होता था, माइनस हो जाएगा क्योंकि a की जगह माइनस लेना है, और फिर जहां s था 2as तो s की जगह हम क्या कर देंगे, h कर देंगे, ठीक है। अब कोई पिंड या वस्तु ऊपर से नीचे की दिशा में आए तो वहां पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, बढ़ता रहता है। तो यहां पर जब नीचे आएगा तब भी ऊंचाई काम करेगा, s h ही लिया जाएगा, और क्या होगा दोस्तों, जो त्वरण था उसको गुरुत्वाकर्षण प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लिखिए यहां पे सिर्फ आप जहां a था वहां g लगा दीजिए, जहां a था और जहां s है वहां h लगा दीजिए, ठीक है। जहां a था g लगा दीजिए, जहां s है वहां h लगा दीजिए, और जहां a है वहां पे g लगा दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है, जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई वस्तु आती हुई नजर आती हो, गतिमान करती हो। अब नेक्स्ट स्केच है आपका दोस्तों, लास्ट स्केच इस चैप्टर का, एक समान त्वरित गति। जब कोई वस्तु या पिंड एक समान गति करता है तो उसकी प्रारंभिक चाल शून्य होती है। जब प्रारंभिक चाल शून्य होगी यानी u का वैल्यू शून्य होगा, तो जहां जहां u होता है वो सब पद क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। जैसे पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, तो u शून्य हो जाएगा तो बचेगा क्या, v बराबर at, तो यहां v बराबर at बच गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u को शून्य करोगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, जब शून्य पूरा हो जाएगा तो बचेगा s बराबर हाफ at स्क्वायर, लेकिन a नहीं लिखना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं, यहां पे ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो एक की जगह पे g कर देना, यहां भी g कर देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब तीसरा भी समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, a की जगह हमें g लेना है, g क्योंकि ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी के बारे में हम जान रहे हैं हम, और v u की जगह प्रारंभिक वेग शून्य है तो इसकी जगह हम शून्य रखेंगे तो ये हट जाएगा, सिर्फ बचेगा v स्क्वायर बराबर 2gs, तो v स्क्वायर बराबर 2gs यहां पे निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, अब बचे हुए न्यूमेरिकल जो हैं वो अगले वीडियो में कराए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो इधर उधर कहीं भटकिए मत, चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए न्यूमेरिकल यानी जो भी न्यूमेरिकल हैं उनके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।